52 लाख से ज्यादा हर दिन थी जिसकी कमाई, जल्द बनने जा रहे हैं जो वर्ल्ड बैंक के चीफ। आज इस वीडियो में बात करेंगे उनके ऊपर। आज बात करेंगे अजय बांगा के बारे में। क्या आप जानते हैं कि अगर अजय बांगा वर्ल्ड बैंक के चीफ बन गए तो वो पहले इंडियन अमेरिकन बन जाएंगे जिसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। डीयू से निकलकर वर्ल्ड बैंक के चीफ बनने तक का कैसा रहा अजय बांगा का सफर, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने वर्ल्ड बैंक चीफ के लिए अजय बांगा का नाम नॉमिनेट किया है, लेकिन अभी तक बोर्ड के द्वारा इस पर फाइनल मोहर नहीं लगी है। वर्ल्ड बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर अजय बांगा के नाम पर मोहर लगा देता है तो इस पद पर पहुंचने वाले वो पहले भारतीय अमेरिकी और सिख अमेरिकी होंगे। अब तक वर्ल्ड बैंक में भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति इस पद पर नहीं पहुंचा है, और अगर ऐसा हो जाता है तो ये हिस्ट्री लिखी जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अजय बांगा का नाम नॉमिनेट करते हुए कहा कि अजय बांगा इतिहास के इस महत्वपूर्ण क्षण में विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति हैं। अजय ने सफल वैश्विक कंपनियों के निर्माण और प्रबंधन में 3 दशक से अधिक का समय बिताया है। ये वो कंपनियां हैं जो विकासशील अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजित करती हैं और निवेश लाती हैं। उनके पास लोगों और व्यवस्था में मैनेजमेंट एवं रिजल्ट देने के लिए दुनिया भर के वैश्विक नेताओं के साथ साझेदारी करने का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अब यहाँ जिनके नाम का इतना बखान हो रहा है, थोड़ा उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो अजय बांगा का जन्म 10 नवंबर 1959 को महाराष्ट्र में हुआ था। उनकी प्राइमरी एजुकेशन शिमला में हुई। उन्होंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज से किया। उसके बाद IIM अहमदाबाद से उन्होंने MBA किया। उनके पिता सेना में अफसर थे। 2007 में अजय को अमेरिका की सिटीजनशिप मिली। अब थोड़ा उनके करियर पर भी ध्यान देते हैं। तो मास्टर कार्ड ज्वाइन करने से पहले अजय नेस्ले और सिटी ग्रुप में काम कर चुके थे। 2021 में मास्टर कार्ड से रिटायरमेंट लेने के बाद उन्होंने प्राइवेट इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक ज्वाइन किया, और अब वो इसके वाइस चेयरमैन हैं। जनरल अटलांटिक में वो $3.5 अरब के क्लाइमेट फंड के एडवाइजरी बोर्ड में भी हैं। 2015 में बांगा पार्टनरशिप फॉर सेंट्रल अमेरिका के लिए सह अध्यक्ष के तौर पर व्हाइट हाउस के साथ मिलकर काम कर चुके हैं। पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने उनकी नियुक्ति की थी। सेंट्रल अमेरिका में प्राइवेट सेक्टर के निवेश को बढ़ावा देना इस कार्यक्रम का मकसद था, ताकि अमेरिका की ओर आ रही अप्रवासियों की भीड़ पर लगाम लगाई जा सके। सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट की डिप्टी एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट ने कहा है कि बांगा के दशकों के अनुभव की वजह से वर्ल्ड बैंक के प्रति अमेरिकी संसद में खासकर रिपब्लिकन सदस्यों के बीच विश्वास बढ़ेगा। रिपब्लिकन सदस्य अक्सर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आलोचना करते रहे हैं। अब थोड़ा अजय बांगा के नेटवर्थ के बारे में भी जान लेते हैं। तो जब अजय बांगा मास्टर कार्ड में थे, तब उनकी एक दिन की सैलरी 52,60,000 रुपए थी। रिपोर्ट्स की माने तो 2021 तक बांगा का नेटवर्थ $206 मिलियन यानी कि 17 अरब के आसपास था। इसके साथ ही साथ मास्टर कार्ड में भी उनके कई स्टॉक्स थे। अब देखना ये होगा कि वर्ल्ड बैंक के बोर्ड मेंबर्स उनके नाम पर मोहर कब लगाते हैं। खैर, जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए अनकट के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।